इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर और साथी में उसका जो मास्टर की आत्मा ना, वो दोनों बातचीत यहां पे किए जा रहे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ब्लड के बारे में बताता है कि ब्लड तो मुझे मिल चुका है, ये भी कहता है मिल चुका है, अरे बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हाँ, एक कमाल की बात यहां पे बताना चाहता हूं, एक अकेडमी यहां पर है पील से रिलेटेड, वो जाके ज्वाइन कर लेना। मैंने देखा भाई तो पील में भी बड़ा टैलेंटेड है। वो कहता कब का मैंने ज्वाइन कर लिया, मास्टर को लालच फील होने लग जाते कि भाई मैं जो चीज यहां पे तुझे करने को बोलूं उससे पहले तू कर भी लेता है। मुझे अपने ऊपर लालच यहां पे फील हो रही है कि मैं तेरा मास्टर बनने के लायक नहीं हूं क्योंकि तू तो मुझसे ज्यादा भी आगे है। हमारे लू भाई कहते कि नहीं, लेकिन आपने मुझे अपना डिसिपल बनाया ये कह के तू बड़ा टैलेंटेड है, और देखो मैं तो टैलेंटेड यहां पे निकल गया, यानी आपकी नजरें काफी तीखी नजरें। वो भी कहता यस, हां चील की निगाहें, मेरी चील की निगाहें। हमारे लू भाई भी कहता हल्की सी क्या तारीफ यहां पे की कि भाई पूरा एटीट्यूड आ गया। वो सारी बातें छोड़िए, अगर आपको दो चार और भी ज्ञान की बातें पेलना है तो पेलो और फिर निकलो यहां से। जो सुनते ये भी कहता हां मुझे पेलना है दो चार ज्ञान की बातें, तो सुनो मेरी बात यार, देखो तुम बड़े कमाल के हो, टैलेंटेड यहां पर हो, तो आगे चल कर ना भाई और भी टैलेंटेड बनना, लेकिन अपने बारे में किसी और को यहाँ पे मत बताना। तुम्हारे रहते बारे में हमारा सेट यहाँ पे बहुत ही बड़ा होगा, आ जाओ यार गले लगा लो, कम ऑन बेबी गिव मी योर हग। ये भी कहता हगने का मन कर रहा है मेरे इसके मुंह पर, अरे दूर हटो यार दाढ़ी चुभ रही है। और दूर हट जाता और कहता चलो यार अब मुझे खुशी है कि भाई मर गया और सेट तेरे हाथों में दे दिया। हमारा सेट ना पक्का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे विकास करेगा, तो गुड बाय, आई डोंट नो यार, अब शायद हमारी मुलाकात यहाँ पे कभी भी नहीं हो पाएगी। हमारे लू भाई भी कहते जा ना बुढ़े, तूने ढेर सारी अपनी आत्मा यहाँ वहाँ लगा के रखी होगी, बाद में कोई ना कोई आत्मा वापस से मिल जाएगा। वो भी कहता हाँ भाई अबे इतना अच्छा मैंने इमोशनल सील यहाँ पे बना दिया था, तो उससे ऐसे मुझे इमोशन भी शो करने देता नहीं है। 1 2 3 हाँ स्टार्ट। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा था, गुड बाय यार वापस मुलाकात होगी, अपना शेर तुझे देखे बहुत ही अच्छा लगा, गुड बाय, इतना बोल के आत्मा उसका कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। तो हमारे लू भाई भी कहते हैं मास्टर टेंशन मत, तो आपका सेट ना मेरे रहते वाले में दुनिया का सबसे बेस्ट सेट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद ना हमारा मेकटर वहां से निकलता नहीं है, हाँ वहीं पे बैठ जाता है, और बैठ कर जो सिस्टम है ना उस सिस्टम में कभी ये टेक्निक बाय करने के बारे में सोचता है, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, और ऐसा करते करते 3 दिन का टाइम निकल जाता है। जो फॉक्स वहां पे थी ना वो भी वेट करते करते थक जाती कि भाई हमसे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं होता, और लिंक शेफ सेट का जो सीनियर यहाँ पे मिलने के लिए आया था ना वो लिटरली वहां पे 3 दिन तक बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, या ये कह लो इंतजार नहीं कर रहा, यार उसको मच्छी पकड़ने में मजा आता है, वो मच्छी पकड़ रहा है, लेकिन बेचारा अनलकी एक मच्छी भी उसको 3 दिन के अंदर यहाँ पे मिली नहीं। अब यहाँ पे आते हैवेली डेमो रूम के अंदर, जहाँ पे हमारे मेक कटा का जो इनर डेमो है ना वो शायद तैयार हो गया था, पिछले हमने देखा था 10 या 12 एपिसोड पहले, यहाँ पे होश में आता हूँ, कहता मैं कौन हूँ, मैं इनर डेमन हूँ और मेरा नाम लू भाई। उतने में एक आवाज आती, एक बड़ा सा हाथ आता, ये कह दो भाई तू क्या कर रहा है, तू एक इनर डेमन है, तेरा काम यहाँ पे रहना नहीं है, यहाँ से निकल के इंसान की दुनिया में जा और लू भाई नाम का आदमी मिलेगा ना, उस लू भाई आदमी को ढूंढ, उसको मार, उसके हड्डी के टुकड़े कर दो, उसकी आत्मा डिस्ट्रॉय कर और उसके बॉडी पे कब्जा कर ले, अब निकल यहाँ से। इतना बोल के उसको भेज दिया जाता है। अब आते हुए हमारी इंसान वाली दुनिया में, जहाँ पे एक मॉक कल्टिवेटर था जो बैठ के चुपचाप अपना कल्टिवेशन कर रहा था, उतने में जो इनर डेमन है ना दूर से आते हुए दिखाई देता है, तो ये डायरेक्ट अटैक कर देता है, ये कह दो माय गॉड ये कौन है जो मुझे डिस्टर्ब करने यहाँ पर आ गया, लगता कोई काला साया यहाँ पे लग रहा है, मिटा देता हूँ उसको, अटैक करके मिटा देता। तो ध्यान से देखता है तो मालूम चलता है अब इनर डेमन, ये तो किसी का इनर डेमन है, ऐसे इनर डेमन तैयार होकर ना हवेली डेमो रूम के अंदर यहाँ पे रहते हैं, और लगभग सालों पहले, बहुत साल पहले आया करते थे लेकिन बाद में आना बंद हो गए, लेकिन आज इतने सालों बाद अचानक से यहाँ पे आ गए, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ भी है, लेकिन मैंने मार के खत्म कर दिया, थैंक यू अमिताभ। लेकिन तभी क्या इनर डेमन मरा नहीं था, वो भी देखते इस मॉन्क को लग रहा है कि भाई इसने मुझे मार डाला, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मॉन्क के बच्चे तू तो गया। इतना बोल करे ना वो मॉन्क की बॉडी में घुस जाता है, यानी समझो मॉन्क की बॉडी उसके कंट्रोल में आ चुकी है, एक दिन मॉन्क की बॉडी लेकर वो हमारे लू भाई के साथ ना फट करने आएगा, तो देखते हैं उस समय क्या होता है। क्योंकि अब आते भाई लू भाई की ओर, अभी जो लू भाई है ना, लू भाई आराम से वो गुफा के बाहर निकल चुका, निकलने का तो बड़ा खुश था, यस भाई गया मास्टर से मिल लिया, काफी सारी चीजें भी मालूम चल गई, मजा आ गया, बल्ले 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 यार, लेकिन उतना भी मजे वाली कोई बात ही नहीं है, देखा जाए तो उतना कुछ मजा आया नहीं। अरे यार ऐसे कैसे मजा यहाँ पे नहीं आया, औरतों का जो मूड स्विंग यहाँ पर होता ना वैसे हमारे लू भाई का मूड स्विंग यहाँ पे हो रहा था, और वापस से सैड हो जाता है, ये कहते हो कि अभी के लिए लिटरली अभी के लिए ना एक एनपीसी हूँ और अभी के लिए उतना दम है, लेकिन आगे चल के जब गेम स्टार्ट होगा, जब प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो सबसे पहले वो लोग एनपीसी को मारते हैं और मेरी बैंड बजा दी, तो और अभी के लिए एनपीसी बन के मैं ज्यादा पैसा कमा के अपना औकात अपना लेवल ज्यादा अप कर ही नहीं पाऊंगा, यार क्या कौन सा तरीका होगा जिससे मुझे और ज्यादा एक्सपीरियंस और पैसे यहाँ पे मिले। अब स्नेक लेडी है ना यार, उसके साथ में कितना भी फट करके ढेर सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे कमा सकता हूँ, तो चलो उसके पास, बड़ा खुश हो जाता है वापस से। हाँ तो सीनियर पीछे से देखता है और देखने बाद कहता है ये कौन है जो कि कब से यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है, लगता है इसको उड़ाना पड़ेगा, तो एक अटैक तैयार कर लेता है। हमारे लू भाई को भी महसूस होता है कि अरे बाप रे ये याद में कौन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, महसूस हो रहा है ये इसने अपनी उंगली पे क्या कर लिया, सॉर्ड एनर्जी तैयार कर लिया, ये मच्छरों को मारेगा या मुझे मारेगा, वो किसी को नहीं मारता, वो अटैक वापस बुला लेता कि अरे यार ये लड़का आई डोंट नो यार मुझे मारना नहीं चाहिए, और अटैक बुला लेता है वापस। फिर हमारे लू भाई अपने बारे में बताता कि हेलो लू भाई मेरा यहाँ पे नाम है और आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, अब पक्का लिंक से
सेट के सीनियर हो गए ना, मनी मन सोचता जो कपड़े इसने पहना है ना सेम कपड़ा हमारी भाई जी ने भी पहना था, यानी वो लिंग शव सेट की थी, यानी ये भी पक्का है लिंग शव सेट के यहाँ पर होंगे। और कहता है कि भाई मुझे भी मच्छी वच्छी पकड़ना पसंद है। तो वो सीनियर खुश हो रहा था, कहता है कि आप बात करो सच्ची में तेनू भी मच्छी वच्छी पकड़ना पसंद है क्या, ये ले मच्छी का काटा हम दोनों मिलकर पकड़ते हैं मच्छी। इसलिए दोनों मिलकर मच्छी पकड़ने लग जाते और मच्छी पकड़ते करते वो भी कहता कि वाह यार मुझे लग नहीं था भाई तेरे पास भी ना मच्छी पकड़ने का इंटरेस्ट यहाँ पर होगा क्या ना। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया जब लोगों से मैंने पूछा कि बताओ यार तू कैसा है, सबने बड़ी तारीफ यहाँ पर की, मुझे लगा भी होगा बोरिंग टाइप का बंदा लेकिन तू तो बड़ा इंटरेस्ट है तेरा जो है ना भाई क्या बोलते हॉबी, और मेरा हॉबी मच्छी पकड़ने का सेम निकल गया। हमारी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जमेगी। हमारा लू भाई देखता कि मच्छी पकड़ने का जो मेरा हॉबी है मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, रियलिटी में मुझे मच्छी पकड़ने कोई हॉबी नहीं है। रही बात लोगों ने मेरी तारीफ यहाँ पर की थी, अगर ये दो दिन पहले और यहाँ पर आते ना लोग मेरे बारे में बहुत ही बुरा बुरा विचार यहाँ पर बना के रखे थे, मेरे बारे में गंदी गंदी गालियाँ देते हो, ये गालियाँ सुन के वैसे निकल जाते ठैंक गॉड यार ये थोड़ा लेट से यहाँ पर आए। और बाद में सीनियर लिटरली कुछ ज़्यादा खुश हो जाता है, भाई क्या टैलेंट तुम्हारा मच्छी पकड़ने का, भाई क्या तुमने पकड़ा है मेरा भी पकड़ लोगे मच्छी मेरे बदले। हमारे ये भी देखते मच्छी वच्छी के चक्के में रहेंगे ना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। इसलिए कहते सुनो यार यार मुझे खबर यहाँ पर आई थी जो मेरी सीनियर भाई जी ने नाम उसको सजा मिल चुका है और 3 साल से पहले वो सेट से बाहर निकल नहीं सकती, ये सच है क्या। जो सुन दो कहते अच्छा ये बात है नहीं, ये बात है कुछ ज़्यादा सच यहाँ पर नहीं है, तुम ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा ना सेट के लीडर है और मेरी मम्मी भी उनकी बीबी है, यानी वो भी सेट की वॉइस लीडर यहाँ पर कहलाती है, और मेरी मम्मी भाई जी इनकी अपनी मास्टर यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि भाई वो सजा वजा नहीं देंगे, 3 साल बस ये नाम का यहाँ पर है, कोई बुरा ट्रीटमेंट उनके साथ यहाँ पर नहीं हो रहा। हमारे मेकटा को आइडिया लग जाता है कि भाई इसकी जो अम्मी जान है ना उसके बीच में, जो मेरा मास्टर मोहता ना उसके बीच में चक्कर यहाँ पे चालू, और ये लड़का इसको बस मच्छियों से प्यार यहाँ पर है, यानी देखा जाए तो भाई जी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा और इसको भी आइडिया नहीं है मेरे मास्टर और इसकी मम्मी के चक्कर के बारे में है। बड़ा बुद्धू यहाँ पर है सामने से लेकर हमें खुश हूँ कि भाई जी यहाँ पे सही सलामत है। फिर सीनियर ये भी बताता भाई मैं सीधी बात करूंगा, भाई मुझे यहाँ पे चेक करने के लिए भेजा गया कि भाई तू कैसा लौंडा है, तू कैरेक्टर का ठीक है या नहीं है, और तू जो उस हिसाब का स्कोर देने का। हमारा मेकटा भी कहता बोले तुमने मुझे क्या स्कोर दिया, ये कहता भाई तुम तो मुझे ठीक लगे, आज हमारे सेट में मैं तुमको भी सिखाऊंगा तुम्हारा कल्टीवेशन। एक सेकंड यार, यार भाई जी ने कहा तुमने अभी अभी अपना कल्टीवेशन चालू किया, फिर इतना जल्दी तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे कैसे चले गए। हमारा मेकटा कहता अच्छा वो ना वो चल गया यार, क्या मैं रूम्स में गया था एडवेंचर करने के लिए, फायदा यहाँ पर हुआ और हो गया, और अभी के लिए भी समझे अंडरग्राउंड एरिया में था अपना काम कर रहा और आप इंतजार कर रहे थे, सो सैड यार आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। सीनियर भी कहता ना इंतजार ना, मैं तो मच्छी पकड़ रहा था अपना टाइम पास यहाँ पे हो रहा था, तुझे सैड वैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चल हमारे साथ। ये कहता ना तुम्हारे साथ यहाँ पे जाऊँगा, मेरे युवा सेट पर हमला हो गया, युवा सेट बर्बाद हो गया तो क्या हो जाएगा, मैं फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। सीनियर भी कहता टेंशन कहीं को लेता, मैं हूँ ना मैं फॉर्मेशन एरिया लगा दूंगा जिससे कोई भी दुश्मन है ना सेट पर हमला करके सेट का कुछ यहाँ पे बिगाड़ ही नहीं पाएगा। हमारा मैं कटा खुश है, यही तो लगवाना चाहता था फ्री में और ये लगवा भी देगा, ये चलो इसको और खुश कर देता हूँ। इसलिए कहते चलिए मच्छी पकड़ लिया ना, चलो हम मच्छी पकड़ते हैं। वो भी कहते तो मच्छी भी पका सकते हो क्या भाई, कम ऑन यू आर सुपर टैलेंटेड माय जूनियर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।